नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। नगर पालिका आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत आज बांदा जनपद में जनस मसैया निवारण कैंप का आयोजन किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष जी बताया कि ये कार्यक्रम नगर पालिका परिषद के तहत प्रत्येक गुरुवार को शहर के किसी न किसी चौराहे में कैंप लगाकर किया जाता है। इसमें नगर पालिका से संबंधित हर समस्या को सुना जाएगा और उनका निवारण किया जाएगा। इसमें नगर निगम के अध्यक्ष सहित कर्मचारी तक उपस्थित होंगे। इस कैंप के शुरुआत में ही आधे से अधिक अधिकारी और कर्मचारी गायब थे। अध्यक्ष जी का कहना है, जो भी अधिकारी या कर्मचारी इसमें दोषी करार हुआ तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई भी होगी। नगर पालिका परिषद बांदा द्वारा नगर पालिका आपके द्वार कार्यक्रम प्रत्येक बृहस्पतिवार को शहर के किसी न किसी चौराहे में कैंप लगाकर किया जाता है, जिसमें नगर पालिका के सहायक अभियंता, अवर अभियंता, सफाई निरीक्षक दोनों, कर अधीक्षक, कर निरीक्षक, कर के बाबू, कर के मुंशी और SBM की टीम, सभी लोग और लाइट बाबू, लाइट से संबंधित समस्या सुनने के लिए भी, मतलब नगर पालिका से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनको सुनने के लिए लोगों को नगर पालिका ना जाना पड़े, इसके लिए हमने ये कार्यक्रम चालू किया है कि हम लोगों के मोहल्ले में जा करके पूरी पालिका को बैठाएंगे और उनके जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को निस्तारण करेंगे वहीं पहुँच करके। अध्यक्ष जी, आधे अधिकारी तो आपके गायब हैं, कुछ है ही नहीं है यहाँ। कुछ कर्मचारियों को भय समाप्त मुझे लग रहा है ऐसा हो गया है, क्योंकि राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं वो विपरीत हैं हमारे, तो कुछ कर्मचारी हमारे राजनीति करने में जुटे होंगे, कुछ मेंबरों को लेकर के राजनीति करते हैं वे लोग, तो वे यहां पर नहीं आए हैं। निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी हम लिखेंगे। अब देखते हैं जिलाधिकारी क्या करते हैं, क्योंकि बांदा नगर के कुछ अधिकारी भी हमारे कर्मचारियों के ऊपर हाथ रख करके हमारे खिलाफ उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं और बांदा की जनता को गुमराह कर रहे हैं। उनका काम ना हो पाए, बांदा की जनता परेशान हो, बांदा नगर पालिका की छवि खराब हो, ऐसा काम कर रहे हैं। बांदा नगर पालिका तनख्वाह लेते हैं, नगर पालिका खाते हैं और नगर पालिका की पीठ में वे कर्मचारी छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ हम शासन को कई बार लिख चुके हैं किंतु शासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अध्यक्ष जी, अब ये जो लोग आए हैं, कितने लोग आए हैं, कितने लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ है? अभी जो लोग आते जा रहे हैं उनकी समस्याएं नोट किए करेंगे, जो अभी तत्काल निस्तारण नहीं हो सकता, पत्रावली जैसे हाउस टैक्स वाला मामला है तो हाउस टैक्स जो कटना हो तो यहाँ कट जाएगा रसीद, किंतु जो नाम दर्ज होने हैं उसमें रिपोर्ट लगती है मुंशी की, उसके बाद बाबू की रिपोर्ट लगती है, उसके बाद दर्ज होता है, तो वो प्रक्रियाएं चल रही हैं। एक हैंडपम्प की समस्या आई है, उसके लिए प्रार्थना पत्र लेकर के SCM को लिखा जाएगा और जिलाधिकारी महोदय को लिखा जाएगा ताकि इनकी समस्या का निस्तारण हो। ये कब तक चलेगा अभियान? ये प्रत्येक बृहस्पतिवार को अनावरत कार्य